भोजपुरी दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का बॉलीवुड का होली सॉन्ग आने वाला है और इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बॉलीवुड के होली सॉन्ग के बारे में, जो खेसारी का है वो कितना बेहतरीन और कितने लार्ज पैमाने पर आ रहा है। खेसारी का गाना जो है वो स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी के बैनर तले बन रहा है और आपको बता दें इसके लिए खेसारी पंजाब पहुंच चुके हैं, वहां उनकी गाने की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और इस शूटिंग की फोटोज़ मीडिया में वायरल भी हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस गाने में खेसारी ने कई एक्सपेरिमेंट किए, एक तो अपने लुक को लेकर वो काफ़ी डैशिंग अवतार में नज़र आएंगे। दूसरी बात ये कि जो गाने हैं जो पिछली बार खेसारी के हिंदी सॉन्ग आए थे उनसे काफ़ी हटकर है और उन पर खेसारी ने हर तरह से काम करना शुरू किया है, फिर वो चाहे डांसिंग स्किल हो, फिर चाहे वो लुक्स हो, फिर वो चाहे उनके बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, फिर उनके बाइसेप्स दिखाने हो, हर एक चीज़ों पर खेसारी ने एकदम गहन अध्ययन किया हुआ है। खैर आपको ये भी बता दें कि खेसारी यहाँ पूरा ध्यान दे रहे हैं कि वीडियो की जो क्वालिटी हो वो बहुत पूरी तरह से मैनेज हो, वो जिस तरह से पवन के सॉन्ग आ रहे हैं ठीक उसी तरह से आए। गाने का बजट 40 से 50 लाख बताया जा रहा है, जी हाँ, जो कि बजट पवन के होली सॉन्ग का भी है। आपको ये भी बता दें कि खेसारी का ये होली सॉन्ग तभी आएगा जब पवन सिंह का होली सॉन्ग आने वाला रहे, उसके आसपास ही आने वाला है और वो भी होली और प्लस बॉलीवुड, यानी दो सॉन्ग आने वाले हैं। पहला एक होली सॉन्ग भी आएगा जो हिंदी में होगा और दूसरा एक बॉलीवुड सॉन्ग हिंदी में होगा और ये सारी स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से ही आने वाले हैं, ये सारे जितने गाने होंगे। आपको ये भी बता दें कि खेसारी इन दिनों पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, जहां खेसारी के लिए ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत सारे गाने नहीं लाता, मैं क्वालिटी का काम कर रहा हूँ, मैंने 13 से 15 फिल्में अपनी रिजेक्ट की है। वहीं खेसारी पर ये आरोप लगाया जा रहा है, फिर वो चाहे प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार ने भी खेसारी पे यही आरोप लगाया कि खेसारी लाल यादव जो है वो गिनती के काम करते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी वाइज काम कर रहे हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ऐसे शुरू से ही थे, उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स, बहुत सारे गाने, बहुत सारी फिल्में वो एक साथ ही लेकर आते हैं। भोजपुरी में अभी तक खेसारी जैसा बेनिफिशियल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जिस एक्टर से, वो बेनिफिशियल एक्टर है जिनके ऊपर जितना पैसा लगाया जाए उससे दुगना वो कमा कर देते हैं। वैसे पवन के फैंस के बीच उनके होली सॉन्ग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, उसी तरह से खेसारी के फैंस के बीच भी उनके होली सॉन्ग और उनके हिंदी सॉन्ग को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। दोनों इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर भिड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही आपको खेसारी के कौन से गाने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, होली वाले सॉन्ग का या बॉलीवुड वाले सॉन्ग का, हमारे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।